सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का मैं 14th वीडियो लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैं 13 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। मैं बताऊँगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा। तो स्टार्ट करने के पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। मैं अपने चैनल पर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। अगर आप मैथमेटिक्स का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रैंडम वेरिएबल टू टाइप्स का होता है, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो मैं इस दोनों के बारे में विथ एग्जाम्पल बता चुका हूँ, इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उसका लिंक है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करूँगा इसको बताने के पहले कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता क्या है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जिसका जो वैल्यू है वो किसी इंटरवल में लाइक करता है, किसी इंटरवल में। जैसे मान लीजिए 2 से 3 तक ये सारे वैल्यू, एक्स का सभी वैल्यू इसमें अगर आता है तो इसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। आप ऐसा समझिए इसको कि मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में जितना भी फैमिली है तो फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स को अगर एक्स से डिनोट करें, जितने भी फैमिली, अलग अलग फैमिली है पूरे वर्ल्ड में, तो प्रत्येक फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उसकी संख्या को अगर हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं तो एक्स जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है किसी भी फैमिली में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कभी 5.5 मेंबर्स नहीं होगा या 5.1 मेंबर्स नहीं होगा, तो वो एक नेचुरल नंबर ही आएगा, या तो 1 मेंबर होगा या 2 मेंबर या 3 या 4 या 5, तो वो एक्स जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया। एक्स का यहाँ पर जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है, तो ये डिस्क्रीट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें उसके वेट का, तो वेट जो होगा प्रत्येक फैमिली में जितने भी वेट है पूरे वर्ल्ड में, जितना भी ह्यूमन बॉडी है उसका अगर हम वेट की बात करें तो वेट को अगर बहुत फाइन मेजर करें तो वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि किसी का वेट जो है, वेट 60.01 केजी हो सकता है, एग्जैक्ट 60 हो ये जरूरी नहीं है, 60.01 हो सकता है, किसी दूसरे का वेट जो है वो 60.021 भी हो सकता है या 60.0215 केजी भी हो सकता है। तो ये जो वेट है ऐसा नहीं है कि 60 के बाद सीधे 61 होगा, इसके बीच में किसी का वेट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब वेट होगा तो वो 60 और 61 के बीच में कई लोगों का जो वेट है इस दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पर वो एक इंटरवल में लाई करेगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि वेट की अगर बात करें, सपोज करते हैं कि 100 केजी से ज़्यादा किसी का वेट नहीं है और 2.2 केजी से कम किसी का वेट नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं तो 2 से 100 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है वेट का। 2 केजी से हम लोग मान लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन सपोज करते हैं कि 2 केजी से किसी का वेट कम नहीं है और 100 केजी से ज़्यादा किसी का नहीं है, तो अगर वेट को एक्स से डिनोट करें तो एक्स जो है वो इस इंटरवल में लाई करेगा। तो यहाँ पर वेट जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को बता रहा है, और जो नंबर ऑफ मेंबर्स था तो नंबर ऑफ मेंबर्स को अगर हम लोग एक्स से डिनोट करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हो सकता है। तो ये जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया।
तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में के बीच में गैपिंग है, वन के बाद सीधे टू पर है, वन और टू के बीच में बहुत सारे रियल नंबर है, तो वो एक्स का वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर वेट की बात करें तो 2 केजी अगर किसी का है तो 2.01 केजी भी हो सकता है, 2.02 केजी भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी रियल नंबर है उसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सभी वैल्यू नहीं है, सभी रियल नंबर नहीं है। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया और ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो गया। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में होता है प्रायोरिटी मास फंक्शन, जिसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में होता है प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए कि प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, कि लेट द प्रायोरिटी दैट द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स लाइज विद इन इनफाइनिटेसिमल इंटरवल एक्स माइनस डी एक्स बाई टू एक्स प्लस डी एक्स बाई टू। इस इंटरवल में, ये बहुत छोटा इंटरवल है, इस इंटरवल में अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स लाई करता है तो उसका प्रायोरिटी, देखिए ये प्रायोरिटी बता रहा है रैंडम वेरिएबल एक्स का, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और वो एक्स माइनस डी एक्स बाई टू और एक्स प्लस डी एक्स बाई टू के बीच में अगर एक्स रखते हैं तो उसका प्रायोरिटी सपोज कीजिए एफ एक्स इंटू डी एक्स है, एक एफ एक्स एक फंक्शन है उसमें डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो ये प्रायोरिटी बता रहा है। अगर ये प्रायोरिटी बताता है ये फंक्शन और डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन, तो इसी फंक्शन एफ एक्स को कहते हैं, जहाँ इफेक्ट्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स का, तो इसी इफेक्ट्स को कहते हैं इज कॉल्ड द प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन। तो क्या प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन है, जरा यहाँ पर समझिए। सपोज कीजिए एक हम लोग कर्व लेते हैं या एक ग्राफ लेते हैं किसी फंक्शन का, ये सपोज कीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ ले रहे हैं और ये सपोज करते हैं कि ग्राफ है वाई इक्वल टू एफ एक्स का, तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और यहाँ पर हम लोग ऐसा लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो x माइनस डी एक्स बाई टू है और ये जो पॉइंट है ये है x प्लस, ये वाला पॉइंट x प्लस डी एक्स बाई टू है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है ये x माइनस डी एक्स बाई टू और ये x प्लस डी एक्स बाई टू, तो इसमें इसको डिफरेंस कर दीजिए तो आप देखिएगा कि ये क्या आएगा, ये डिस्टेंस डी एक्स आएगा और x कहाँ पर होगा, x बिल्कुल बीच में होगा, x माइनस डी एक्स बाई टू और ये x प्लस डी एक्स बाई टू है, तो डी एक्स बाई टू हो गया ये डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस डी एक्स बाई टू हो गया, तो डी एक्स बाई टू प्लस डी एक्स बाई टू डी एक्स हो गया। तो ये जो पॉइंट है x है और ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, तो यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस पर, तो ये जो डिस्टेंस है वो एफ एक्स बताएगा, तो एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, डी एक्स से, तो ये एफ एक्स जो है वो डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कौन सा एरिया बताएगा, एक्चुअली ये काफ़ी छोटा है, डी एक्स जो है वो वेरी स्मॉल है, तो ऐसे तो आप समझ सकते हैं कि ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया एक रेक्टेंगल बन जाएगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स ये डिस्टेंस है और डी एक्स ये डिस्टेंस है, लेकिन ये वेरी स्मॉल है तो हम लोग सपोज करते हैं कि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली काफ़ी ये छोटा है, वेरी स्मॉल है, तो इसीलिए हम लोग ये मान रहे हैं कि इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली बहुत छोटा होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही रिप्रेजेंट होगा, हम लोग तो ये काफ़ी अभी दूर दिए हुए हैं, मान लीजिए ये पॉइंट रहेगा और ये पॉइंट रहेगा, तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल ही बनेगा, तो इस रेक्टेंगल के ही एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम लोग यही मान रहे हैं। तो ये जो एरिया है एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी, यानी कि कौन सा प्रोबेबिलिटी बता रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, अगर हम लोग इस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को एक्स प्लस डी एक्स बाई टू और एक्स माइनस डी एक्स बाई टू के बीच में रखते हैं, तो ये जो प्रायोरिटी बताएगा, ये प्रायोरिटी अगर निकालते हैं कैपिटल एक्स को इसके बीच में रख करके जो प्रायोरिटी निकालते हैं, तो वो प्रायोरिटी इसी के बराबर होना चाहिए एफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी हम लोग करेंगे क्या, एक ऐसा फंक्शन लेंगे और उस फंक्शन में डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वो इस प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए।
अगर ऐसा कोई फंक्शन मिलता है तो उसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन का यही ग्राफ हो गया, और ये जो एरिया है ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्रायोरिटी को कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू अगर x माइनस डी एक्स बाई टू और x प्लस डी एक्स बाई टू के बीच में रखेंगे तो इसका जो प्रायोरिटी आएगा वो इसके बराबर आएगा। तो ये फंक्शन fx को ही हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन, और ये ग्राफ आता है y इक्वल टू fx का, इसको प्रायोरिटी कर्व कहते हैं। तो आप देखिए मैं यहाँ पर यही लिखा हुआ हूँ कि लेट द प्रायोरिटी दैट द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x लाइज विद इन इन्फाइनाइटेसिमल इंटरवल दिस। अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का वैल्यू इस इन्फाइनाइटेसिमल इंटरवल में लाइक करता है, ये बहुत छोटा इंटरवल है, तो इस इंटरवल में लाइक करता है, तो उस समय जो प्रायोरिटी आएगा यानी कि ये प्रायोरिटी जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर, जहाँ एफ एक्स जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है एक्स का, तो उसी को कहते हैं इज कॉल्ड द प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन। एंड द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड प्रायोरिटी कर्व, और जो कर्व होता है उसको प्रायोरिटी कर्व कहते हैं। प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन को हम लोग शॉर्ट में PDF भी लिखते हैं, तो इसको प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म हो गया PDF। तो जरा ध्यान दीजिए, प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस dx को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये बता रहा है प्रायोरिटी ऑफ x माइनस डी एक्स बाई टू लेस देन इक्वल टू कैपिटल x लेस देन इक्वल टू x प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई टू और डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स को हम लोग प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, तो ये प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन इसके बराबर होगा। तो प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन इसके बराबर होगा, इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख जाइए डी एक्स के बदले डेल्टा एक्स, और इसमें लिमिट लगा दीजिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पर भी dx मत लिखिए, इसके बदले हम लोग यहाँ पर डेल्टा x लिखते हैं। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा, इस लिमिटिंग वैल्यू मान लीजिए ये fx के बराबर आ रहा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन। डेल्टा x जो है वो वेरी स्मॉल, इस इंटरवल को हम लोग काफ़ी छोटा रखेंगे, तो इसीलिए लिमिट लगा दिया गया डेल्टा x टेंस टू जीरो, वेरी स्मॉल होगा, तो इसी को हम लोग fx को कहते हैं प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन क्या बताता है, प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो एक कर्व होता है, लेकिन उसमें अगर हम लोग dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये dx से मल्टीप्लाई करते हैं प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन में, तब ये प्रायोरिटी बताता है। ये प्रायोरिटी बता रहा है x माइनस डी एक्स बाई टू से लेकर के x प्लस डी एक्स बाई टू तक। अब अगर जरा ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए ये यहाँ पर जो है वो a है और यहाँ पर है b, तो a से b तक अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पर एफ एक्स इंटू डी एक्स को, ये एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दीजिए a से b तक, तो ये क्या बताएगा, ए से बी तक अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये पूरा एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पूरा एरिया जो है वो कौन सा प्रायोरिटी को बताएगा। ये आप एरिया देख रहे थे कि ये एरिया कौन सा प्रायोरिटी को बता रहा था, यहाँ से यहाँ तक अगर कैपिटल एक्स का वैल्यू लाइक करता है तो उस प्रायोरिटी को बता रहा था, तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पी प्रायोरिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है और अगर वो a से b तक लाई कर रहा है, उसका प्रायोरिटी निकालना है, तो जो प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन है उसको a से b तक अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो a से b तक अगर x लाई करता है तो उसका प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्रायोरिटी ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x लाइज बिटवीन a एंड b इज गिवन बाय दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल से हम लोग निकाल सकते हैं कि प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बता देगा, प्रायोरिटी बता देगा रैंडम वेरिएबल x का a से b के बीच लाइक करने का। अब जरा ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है वो अल्फा से बीटा तक ही है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का वैल्यू अल्फ़ा टू बीटा ही है, ना तो अल्फ़ा से कम है और ना ही बीटा से ज़्यादा है। जैसे मैं अभी वेट की बात कर रहा था,
ह्यूमन बॉडी का और 2 से 100 लिया था, तो यहाँ पर वेट जो है ना तो 2 से कम था ना 100 से ज़्यादा था, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगा। तो वैसे ही सपोज कीजिए कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इसी के बीच में है, बीटा से ज़्यादा भी नहीं, अल्फा से कम भी नहीं है, तो वैसे केस में टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगा अल्फा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा, तो वो कैसे निकलेगा, ये अल्फा से बीटा तक इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स को, और ये निश्चित रूप से 1 के बराबर हो गया, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। रैंडम वेरिएबल एक्स जो है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स का जितना भी वैल्यू हो सकता है सारे का प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और एक दूसरा कुछ प्रॉपर्टीज है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, तो एक तो प्रॉपर्टीज ये हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए अल्फा टू बीटा नहीं है, सपोज कीजिए ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक है, या अगर अल्फ़ा टू बीटा ही अगर है और हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, तो भी इसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर ही आएगा। अगर जो रेंज है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का उसमें इंटीग्रेट करते हैं तो भी 1 आएगा, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक करते हैं तो भी 1 ही आएगा। क्यों आएगा ये 1? क्योंकि देखिए, मान लीजिए अल्फ़ा टू बीटा जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ये रेंज है, लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा तक कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, तो इधर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, और बीटा से लेकर के इन्फिनिटी तक का भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी 1 होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा तक का प्रोबेबिलिटी 0, अल्फ़ा से बीटा तक का प्रोबेबिलिटी 1, और बीटा से इन्फिनिटी तक का प्रोबेबिलिटी 0। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक करेंगे तो 0 + 1 + 0 = 1 होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, एक तो प्रॉपर्टीज ये हो गया, दूसरा प्रॉपर्टीज है कि एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी भी फंक्शन का जो वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो कर्व है, प्रोबेबिलिटी कर्व है, तो वो कर्व हमेशा ऊपर में ही होगा, ये कभी भी नीचे नहीं आएगा, तो ऊपर आएगा, यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी भी 0 से छोटा या नेगेटिव नहीं होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू। अब आगे देखिए कि अगर किसी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकालना है, मान लीजिए हम लोग को निकालना है पी एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी, तो कैसे निकालेंगे, एक्स का जो वैल्यू होगा वो सी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू सी, ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो ए से बी तक का प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग सी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू सी है तो हम लोग सी से सी तक इंटीग्रेट करेंगे, और किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम है तो उस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 होता है। और ये क्या बता रहा है, यहाँ पर आप इससे क्या मीनिंग निकालते हैं, सी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू सी, इसका मतलब हो गया एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स इक्वल टू सी का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 0। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में किसी एक सिंगल पॉइंट पर अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो निश्चित रूप से 0 होता है। ये जरा ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी सिंगल पॉइंट पर, एक पॉइंट पर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में तो वो 0 होता है, लेकिन डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी क्वाइन को टॉस करते हैं, 3 क्वाइन को टॉस करते हैं एक साथ, 3 क्वाइन को, और एक्स रिप्रेजेंट कीजिए नंबर ऑफ हेड्स को, तो एक्स का वैल्यू हो सकता है या तो 0 हेड आवे, 3 क्वाइन को अगर एक शॉट टॉस करेंगे तो हो सकता है कि एक भी हेड नहीं आवे, 0 हेड हो सकता है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को, या 1 हेड हो सकता है, या 2 हेड हो सकता है, या 3 हेड हो सकता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग एक्स इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो 2 का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यानी कि 2 हेड प्राप्त करने का, तो 2 हेड कब मिलेगा, 2 हेड मिलेगा हो सकता है टी टी एच, 2 हेड पहला फर्स्ट और सेकेंड हेड और थर्ड टेल, सॉरी 2 हेड हो गया तो एच एच टी हो जाएगा, और टी एच एच हो जाएगा, या फिर एच टी एच हो जाएगा। तो इसमें देखिए आप 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी एक सिंगल पॉइंट पर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए तो उसका कुछ ना कुछ जरूर प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में सिंगल पॉइंट पर अगर किसी एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो निश्चित रूप से 0 के बराबर होता है।
अब इससे क्या फ़ायदा होगा इस रिजल्ट से, तो ये इस रिजल्ट से आप कह सकते हैं कि पी ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, या फिर पी ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, या फिर पी ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ये सभी जो है वो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू ए का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल टू ए लेने की ज़रूरत नहीं है। x इक्वल टू बी का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए उसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों इक्वल होगा, लेकिन वही डिस्क्रीट में ये तीनों जो है वो डिफरेंट होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू, आप ऐसा कीजिए, पी एक्स एक्स इक्वल टू ए प्लस पी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी लिखिए, और इसका प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा। मैं अभी बता चुका हूँ सिंगल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है, और यहाँ पर ये ज्यों का त्यों रहने दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो रहा है पी ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो आप इक्वल टू हटा सकते हैं, सिर्फ लेस देन लिख सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज हो गया यहाँ पर कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल में। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का देखिए कि लेट एक्स बी ए कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स है व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 टू 1, एंड एफ एक्स का वैल्यू ए है व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 1 टू 2, और ये है 2 से 3 के बीच में, और इसके अलावा कोई भी अगर एक्स का वैल्यू रहे तो उस समय फंक्शन का वैल्यू 0 है। यानी ये कह सकते हैं कि x का जो रेंज है वो 0 से लेकर के 3 तक ही है, 0 से 3 तक में ही वैल्यू है, बाकी सब में जो है वो 0 आ जाता है, एफ एक्स का वैल्यू 0 है। तो हम लोग को डिटरमाइन करना है कांस्टेंट a को, a जो यहाँ पर है, और फिर ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1.5। तो चलिए देखिए कैसा है, मैं निकालता हूँ इसको। सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग लेते हैं, हम लोग अभी देख चुके हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ये 1 होता है। अब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो आप ऐसा कीजिए माइनस इन्फिनिटी से 0 तक पहले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को, और फिर हम लोग 1 से लेकर के 2 तक अलग इंटीग्रल में इंटीग्रेट करते हैं, और फिर 2 से लेकर के 3 तक अलग इंटीग्रल में करते हैं, और फिर लास्टली हम लोग 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो है वो एक ही इंटीग्रल में रखते हैं, और ये है राइट साइड में 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन 0 हो गया मतलब इंटीग्रल भी 0। और 0 से 1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में a इंटू एक्स है, और यहाँ पर 1 से 2 के बीच में क्या है फंक्शन का वैल्यू, तो 1 से 2 के बीच में a है, और यहाँ पर आप 2 से 3 के बीच में देखिए तो 2 से 3 के बीच में है फंक्शन का वैल्यू माइनस ए एक्स प्लस 3a इंटू dx हो जाएगा, और फिर 3 से इन्फिनिटी के बीच में जो है वो 0 हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 0 है उसके अलावा कोई भी इंटरवल में। तो ये हो गया इधर 0 और इक्वल टू 1। आप a को बाहर कर दीजिए, तो a को बाहर कर देते हैं, और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है 0 टू 1। यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 1 का इंटीग्रल x 1 टू 2, यहाँ पर माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 ए एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वो 2 से 3 तक, और इधर हो गया 1। तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो देखिए ये आ रहा है आपका यहाँ पर ए इंटू ये 1 बाई 2 आ रहा है मतलब ए बाई 2, तो ये हो गया ए बाई 2 दैट प्लस, आप यहाँ पर देखिएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ए यानी कि ए हो गया, और यहाँ पर आप अगर 3 पुट करते हैं तो 3 पुट करने से आ रहा है माइनस 9 ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 ए, ये हो गया 9 ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 3 जा 9 ए, और 2 पुट करते हैं तो 4 बाय 2 मतलब 2 ए, तो माइनस 2 ए, और यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो प्लस 6 ए, और इधर आ रहा है 1।
तो a प्लस ए बाई टू 3a बाई टू, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस 9a बाई टू में 9a बाई टू ऐड कर देते हैं तो 9a बाई टू, और ये 6a में 2a सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4a, तो माइनस 4a हो गया इज इक्वल टू 1। ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये 6a आ रहा है माइनस 4a इज इक्वल टू 1, यानी कि 2a इज इक्वल टू 1। तो a का जो वैल्यू है वो 1 बाई टू हो गया। एक तो आंसर ये हो गया। अब दूसरा क्या है कि ये निकालना है, सेकेंड में कहता है कि प्रायोरिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1.5 निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग 1.5 से लेकर के इन्फिनिटी तक, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से 1.5 तक इंटीग्रेट कर देंगे फंक्शन fx को, जहाँ fx प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन है। 1.5 से छोटा, तो 1.5 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ये 1.5 तक लेना है, तो इसका निकालना है हम लोग को प्रायोरिटी। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1.5 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब इसको अलग अलग इंटरवल में बांट लीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो अलग इंटरवल में लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। फिर जीरो टू वन में अलग तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, और फिर 1 से 1.5 में अलग तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पर जीरो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में फंक्शन का वैल्यू जीरो है, और जीरो से वन के बीच में फंक्शन का क्या वैल्यू आप देखिए, जीरो से वन के बीच में फंक्शन का वैल्यू ए एक्स है, तो यहाँ पर ए एक्स बैठा देंगे। और यहाँ पर 1 to 1.5 के बीच में फंक्शन का वैल्यू, तो 1 to 1.5 यही इंटरवल में आएगा, तो फंक्शन का वैल्यू उस समय ए है, तो यहाँ पर ए पुट कर देते हैं। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो ए कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 0 to 1 हो गया, और यहाँ पर ए इंटू एक्स ये हो जाएगा 1 to 1.5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आ रहा है ए डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आ रहा है 1.5a माइनस ए यानी 0.5a। तो a का वैल्यू 1 बाय 2 है, तो ये हो गया 1 बाई 4, और यहाँ पर भी a का वैल्यू 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, 0.5 को 1 बाय 2 लिखिए और a का भी वैल्यू 1 बाय 2, दोनों का ऐड करते हैं तो 1 बाय 2। तो ये आंसर हो गया कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1.5 का वैल्यू 1 बाय 2 है। तो ये फ्रेंड्स प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को मैं बताया हूँ। आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को ऑन करना कभी नहीं भूलिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।